आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। लीजिए 8 बज चुके हैं और हम हाजिर हो चुके हैं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। आज दोस्तों हम शुरुआत में ये कहेंगे कि मौसम की तब्दीलियां शुरू हो चुकी हैं, यानी कुछ सर्द सर्द हवाएं चलने लगी हैं, कुछ ऑटम ब्रेक की तरफ जा रहा है मौसम का मिजाज। और मोहब्बत करने वालों के लिए ये मौसम बहुत ही खूबसूरत होने वाला है दोस्तों, आगे आने वाला मौसम। आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कहना चाहते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। क्या ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल
सुबह जाओगी मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आगी बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox & Kings, accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ दोस्तों हम एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं हम हैं आपके साथ आरजे सैफ और आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान जहां शो चल रहा है अंदाज अपना अपना जिसके खादिम हैं आरजे सैफ हम आपकी खिदमत में यहां मौजूद हैं आपके पसंदीदा गीत आप तक पहुंचाने के लिए और दोस्तों हम आपसे गुजारिश ये करेंगे कि आप लाइव कॉल के थ्रू हमें अपने गीत फरमाइश करें जो गीत आप सुनना चाहें आप आएं और आप हमें बताएं हम आपकी खिदमत में जरूर पेश करेंगे तो दोस्तों हम अभी जिक्र कर रहे थे मोहब्बत के दिनों का यानी जो मौसम है ये मौसम कई तरह से अपने निशानियां छोड़ जाता है अपने नक्श कदम छोड़ जाता है हमारे दिलों पर और वो एहसासात छोड़ जाता है जिनको भूल पाना बहुत ही मुश्किल होता है कभी कभी यूं होता है कि ये जो मौसम की तब्दीली है जिसे हम तब्दीली मौसम कहते हैं जिसको चेंज ऑफ वेदर हम कहा करते हैं सर वो कुछ ऐसी पुरानी यादों में हमें ले जाता है जिनमें जाकर यानी जिन यादों के सिलसिले में हम पहुंचकर कहीं और ही निकल जाते हैं जहां पर कुछ इस तरह का एहसास हमें होता है कभी आप हमसे मिले
तस्वीर तुमने वो दिन आपको याद कैसे दिलाई यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे यही वो जगह आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020 जी हाँ रेडियो उड़ान आरजे लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020 जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ एक मंजिल रोजगार की ओर इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक फॉर मोर इन्फो लॉग इन टू www.radioudaan.com हैप्पी लिसनिंग आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ जी हाँ दोस्तों आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ और हम जुड़े हुए हैं आपके साथ और हम दोनों यानी आप और हम जुड़े हुए हैं रेडियो उड़ान के साथ और रेडियो उड़ान जुड़ा हुआ है शो के साथ उसका नाम है अंदाज अपना अपना जो आप तक पहुंच रहा है इस वक्त और हम जिक्र कर रहे थे दोस्तों जब बात हम करते हैं मिलने और बिछड़ने की तो हमने आपको बताया था कि मिलने के बाद यानी जब ये मौसम जो है निशाना छोड़ जाता है तो हम ऐसी पुरानी यादों में पहुँच जाते हैं ऐसे यादों के उस माजी के घरौंदे में पहुंच जाते हैं जहां पे बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कुछ पिछला याद आता है हमें और कुछ बिछड़े हुए लोग हमें मिल जाते हैं तो ये सिचुएशन तो एक अलग तरह की होती है लेकिन जो वाकई मोहब्बत करते हैं वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते और अपने महबूब से कुछ यूं कहते हैं चंदा की किरणों से लिपटी हवाएं चंदा की किरणों से लिपटी हवाएं सितारों की महफिल जवां आके मिल जा ऐसा मौसम मिले फिर कहां आके मिल जा चंदा की किरणों से लिपटी हवाएं सितारों की महफिल जवां आंखें मिल जा ऐसा मौसम मिले फिर कहां आंखें मिल जा रंगों में शबनम मिला के तेरी मांग भर दूं सुहागन बना के नजारों के रंगों में शबनम मिला के तेरी मांग भर दूं सुहागन बना के बेचैन मैं हूँ तू बेताब तू है बहारे भी है मेहरबान आके मिल जा आके
मिल जा, ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ आके मिल जा। कहते हैं तेरी कहानी कि छुपते नहीं चढ़ के चांद और जवानी, तेरे नैन कहते हैं तेरी कहानी कि छुपते नहीं चढ़ के चांद और जवानी, कदम डगमगाना बदन का चुराना, मोहब्बत के है ये निशान, आके मिल जा ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ, आके मिल जा मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ रेडियो उड़ान की एक आरजे और हमारी बहुत ही मोतबर मोहतरम लिस्नर जुड़ी हैं। जी, आपका खैर मकदम है अंदाज अपना अपना इस महफिल में। रुकिए, रुक जाइए। जरा सा आप रुकें, दोस्तों हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त निकिता पाटिल जी। निकिता जी, आपका स्वागत है अंदाज अपना अपना किस खूबसूरत महफिल में। धन्यवाद सैफ सर, और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत हुआ दरअसल कुछ यूं था निकिता जी कि आपकी आवाज लिसनर तक शायद नहीं पहुंच रही थी, इसलिए हमने आपको रुक जाने के लिए कहा। खैर, अब आपका स्वागत है, आपकी आवाज पूरी तरह से पहुंच रही है। बहुत दिनों के बाद आप हमारे शो में आई हैं, बताइए कैसा लग रहा है आपको शो में? बहुत दिनों के बाद, मेरे ख्याल से बहुत महीनों के बाद मैंने फिर एक बार फिर से श्रोताओं के बीच समक्ष जी हाँ मैं आई, और बहुत अच्छा लग रहा है सैफ सर, क्योंकि आपकी शो की खासियत है कि यहाँ पर अपने मन का गीत चलता है, आपको कोई पाबंदी नहीं, आपके मन का गीत आप सुनाते हो। और एक अपडेट के साथ भी आई हूँ कि बहुत दिनों के बाद, खैर बायस को तो थोड़ी देर के बाद आएगा, लेकिन फिर सोचा श्रोताओं के साथ जुड़ना चाहिए, तो इस बार बोलती तस्वीरों के साथ भी जुड़ी हूँ मैं, जो कि आज का जो रात मुझे 9 बजे का जो संस्करण होगा बोलती तस्वीरों, जिसमें अब मैंने भी अपने आप को उसका हिस्सा बना लिया है, बहुत तो कैसे आपको पता चलेगा। पर फिलहाल आपके शो की बात हो रही, तो बहुत अच्छा शो हो रहा है। सर, मुंबई की बात बताओ तो बहुत तेज झमाझम बारिश हो रही है, क्या बात, बहुत वाह यहाँ पर जी। तो, और जी, इस जी। बारिश को देख के मैं गीत
सुनना चाहूंगी। जी दिल लगी फिल्म का है, 90 के दशक की मूवी है और जतिन ललित का संगीत, कुमार सानू और लता मंगेशकर की खूबसूरत उन दोनों की आवाज और खूबसूरत सा गीत है, देखो जी, जरा देखो बरखा की जड़ी। क्या तो अगर बात आप है सुना साहब, बहुत देंगे बहुत तो अच्छी। उसके जरिए हम मुंबई से दिल्ली तक और पूरे भारत भर बारिश भेजने की कोशिश करेंगे। हम पर भी बड़ा एहसान होगा अगर आप बारिश भेजें। जी बिल्कुल, और श्रोताओं को कहूंगी बिल्कुल ना भूलिए रात 9 बजे बोलती तस्वीरें सुनने के लिए, क्योंकि फिर जी मैं वापस आ रही हूँ आपके साथ। और अंदाज अपना अपना तो है ही बेस्ट, तो सैफ सर अच्छा कर रही है, अच्छा करते हैं आप, हमेशा ये शो ऐसे ही चलता रहे यही आपको हम गुजारिश करेंगे। ये हमारी कोशिश तो यही होगी निकिता जी कि शो बहुत बेहतरीन ढंग से चलता रहे। जब तक हमारी सांस में सांस है तब तक हम तमाम लिसनर्स की सेवा, उनकी खिदमत करना चाहेंगे। बिल्कुल गणेश जी, हमारा आपकी ये बात हमेशा सुन रहे और वैसा ही होगा, तो धन्यवाद मुझे शो में शामिल करने के लिए, और जी बहुत ही अच्छा शो जा रहा है, थैंक यू सो मच। जी पेश खिदमत है आपका ये पसंदीदा गीत, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया निकिता जी। जरा देखो बरखा की झड़ी, तन को भिगोए बूंदों की लड़ी, देखो जरा देखो बरखा की झड़ी, तन को भिगोए बूंदों की लड़ी, मौसम सुहाना है क्या आशिकाना है, बजने लगी है टिक टिक दिल की घड़ी, देखो जरा देखो बरखा की झड़ी, भिगोए बूंदों की लड़ी। मुश्किल है बड़ी, देखो जरा देखो बरखा की झड़ी, मौसम सुहाना है क्या शिकाना
बजने लगी है टिक टिक दिल की घड़ी। देखो जरा देखो बरखा की झड़ी, तन को भिगोए बूंदों की लड़ी। देखो जरा देखो बरखा की झड़ी, तन को भिगोए बूंदों की लड़ी। चुप कर देगा आपको बदहोश। क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बै। ऐसा संगीत जो कर दे आपको थिरकने पर मजबूर। दिल टूटा मेरे यार को मनाने, वो प्यार फिर जगाने। संगीत जो भर दे आपके रोम रोम में मोहब्बत। मेरी आवाज है पहचान है, घर याद रहे। ये सब आपको मिलेगा उड़ान आइडल में। उड़ान आइडल, अ म्यूजिकल टैलेंट हंट शो फॉर ऑल द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। कीप लिसनिंग उड़ान आइडल every Saturday 9 p.m. onwards and re-webcast every Sunday 4 p.m. onwards only on Radio Udaan, a flight of life. आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, a flight of life। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं एक लिसनर जी। कौन है आप और कहाँ से बात कर रही हैं जी? जी मैं सरिता केम्पा बोल रही हूँ बेंगलोर से, और रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। कैसा लग रहा है शो में? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक दो हफ्ते तो मैं आ नहीं पाई थी, तो आज आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे आज की डेट में? जी, जो एक गाना है बहुत ही पुराना, मुझे नहीं पता किसने गाया है, और उसमें जो तीन राग मिक्स किए गए हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है, जो कुहू कुहू बोले कोयलिया, वो वाला गाना सुनना है। ये फिल्म है स्वर्ण सुंदरी, और ये बहुत अच्छा गीत चुना है आपने। ये गीत हमारे जन्म से भी पहले का गीत है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपकी फरमाइश इतनी अच्छी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी कि आप यहाँ तशरीफ लाई। दीजिए हम पेश करते हैं आपका पसंदीदा ये गीत। Thank you.
चंदा से मिलके मन ही मन में मुस्काई छाई, चंद्रिका देख छाई। विरही जनों का सुख सरसावन, विरही जनों का सुख सरसावन। साई साई पूनम की छटा घूंघट हटा, मन भाए प्रियतमा कमल कमलनी मिले। तरस रात मन भाए प्रियतमा कमल कमलनी मिले, तरस रात मन भाए मदा। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन कंटेस्टेंट नंबर 4। तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। लीजिए दोस्तों, 24 मिनट रह गए हैं 9 बजने में और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं अब से इस शो से पहले जिनका शो चल रहा था, यानी आरजे आकिब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका खैर मकदम है आकिब अंदाज अपना अपना में? सर बहुत बहुत शुक्रिया, और अंदाज अपना अपना सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से आदाब नमस्कार। और अंदाज अपना अपना में मैं पार्टिसिपेट करता रहता हूं और आज फिर से मुझे ये मौका मिला है कि मैं अंदाज अपना अपना में पार्टिसिपेट करूं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर अंदाज अपना अपना में पार्टिसिपेट करते हुए। तो ये बताइए कि आज हम आपकी खिदमत में क्या पेश करें। सर दिव्या भारती जो एक लेट एक्ट्रेस है, इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, मुझे बहुत पसंद है, और उनकी मूवी का एक गाना है गोविंदा में, गोविंदा उनके साथ थे उस मूवी में, शोले और शबनम, 90s की है, उसका एक गाना है तू पागल प्रेमी आवारा। शोला और शबनम जी,
शोला और शबनम, कविता कृष्णमूर्ति के साथ ये गाना है, तो मैं ये गाना सुनना चाहूंगा सर। ठीक है साहब, आपका आपकी समातों का हुक्म सराखों पर, हम आपकी खिदमत में ये गीत पेश करते हैं आपका पसंदीदा। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया आकिब साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर।
अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों हमारे साथ एक लिसनर जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है अंदाज अपना अपना की इस महफिल में। जी बोले आप अपने रेडियो को प्लीज बंद कर दें। रेडियो को बंद कर दीजिए आप थोड़ी देर के लिए अपना रेडियो बंद कर दीजिए। कर दिए कर दिए। जी कौन है आप कहाँ से बात कर रही हैं? आज हमको तो पता याद है आज अंदाज अपना अपना आएगा लेकिन आज हम बारिश की वजह से यहाँ उड़ीसा से हम सरिता बोल रहे हैं। जी बारिश की वजह से हम ऑफिस से निकल नहीं पाए थोड़ा लेट हो गया तो फिर हम थोड़ा शॉपिंग करने के लिए आए हैं तो वहाँ भी हम लोगों का ये हो गया बारिश हो रहा है इसीलिए हम यहाँ भी रुके हुए हैं। पार हो रहा है तो हम लेकिन प्रोग्राम तो 8-15 से हम जुड़े हम नहीं सुन पाए नेटवर्क प्रॉब्लम से तो बहुत अच्छा लगा बारिश के ऊपर आज चल रहा है तो हम भी सुनना चाहेंगे। चांदनी फिल्म से आप गीत सुनना चाहती हैं लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है वो झड़ी है हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो ठीक है आपकी आपकी ये सजा हो सकती है कि अगली बार अगर आप लेट होंगी तो आपको एक गीत यहाँ भी सुनाना पड़ेगा। अगर अगली बार आप लेट होती हैं तो आपको एक गीत यहाँ भी सुनाना पड़ेगा याद रखिएगा। जाके सुनाना पड़ेगा ठीक है थोड़ा तो सुना देंगे हम इतना तो गा लेते हैं हम मतलब लेट जरूर होंगे आप उसका तो गा लेते हैं जैसे भी टूटी फूटी गा लेंगे उससे। चलिए खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेश करते हैं आपका पसंदीदा ये गीत।
NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी। नमस्ते, नानु कन्नडद ध्वनि अल्पना। नमस्कार, आमी बांग्ला आवाज पाया। నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. వణకం, నాన్ తమిళనిన కురల్ వాణి. నమస్తే, మే హిందీ కి ఆవాజ్ నీల్ హూం. హాయ్, ఐ యామ్ రిషి, వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్. జబ్ యే ఇండియన్ వాయిసెస్ ఏక్ సాథ్ స్క్రీన్ రీడర్ సాఫ్ట్వేర్ మే జుడ్తీ హై తో బన్తా హై ఇండో NVDA. तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज़ सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, खैर मकदम करते हैं हम आपका इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। और हमारे पास तकरीबन 9 मिनट बचे हैं शो में, और हम आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों, ये जो मौसम है ना इस वक्त जो चल रहा है, ये यादों और वादों का मौसम है। यादों के सफर से तो आप अभी गुजर कर आए हैं, लेकिन वादों के सफर की तरफ भी हमें चलना चाहिए, क्योंकि किया था वादा कि कल आएंगे चिराग जले, तमाम रात चिरागों से दिल के दाग जले। या मेरे महबूब ने वादा किया है पांचवें दिन का, मेरे महबूब ने वादा किया है पांचवें दिन का, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया चार दिन की है। तो वादे निभाना या निभाए जाएं, ये कोई रूल नहीं है मोहब्बत का। हाँ, वादा करना ये मोहब्बत का एक उसूल है और एक टेक्निक है, जिससे कि आप अपने महबूब को अपनी तरफ और ज्यादा खींच सकते हैं। किस तरह? कुछ इस तरह। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाँ चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। मोहब्बत के शोलों में जलता रहूंगा तेरा
तेरा नाम लेके मैं चलता रहूंगा, धोकर बिखा के संभलता रहूंगा। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम है, कभी तेरा दामन। खाके कसम हाँ, जले है सफर पे ये खाके कसम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम हाँ, कभी तेरा दामन। हाय अंकिता, हाय नेहा, चलो यार कोई मूवी सुनते हैं। मूवी का क्या सुनना यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। हाँ वैसे भी आजकल मूवीज में इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन होती है कि हम ब्लाइंड लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विजुअली इम्पैक्ट की लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज। ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती है? ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज स्पेशली विजुअली इम्पैक्ट पर्सन के लिए तैयार की जाती है। अटैक कर क्या खेल? गीता ने महावीर की ओर देखा। मूवी के जिस पार्ट में विजुअलाइजेशन होती है या फिर डायलॉग्स नहीं होते, उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। गीता बबीता के पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ने महावीर की ओर देखा। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। इन मूवीज को आप सुन सकते हैं हर शनिवार शाम 6 बजे से और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 1 बजे से सिर्फ रेडियो रान पर। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। लीजिए दोस्तों, वक्त इस प्रोग्राम के इख्तिताम का आ पहुंचा है और हम यही दुआ करेंगे वो लोग जो मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, जिनकी मोहब्बत दास्तान मोहब्बत अभी तकमील तक नहीं पहुंची, हम ये दुआ करेंगे कि उन तमाम लोगों की मोहब्बतें अपने खूबसूरत अंजाम तक पहुंचें और उन मोहब्बतों का जो बाद का अंजाम होता है वो भी उन्हें मौसूल हो, उनकी मोहब्बत का तोहफा उन्हें मिले। हम आप तमाम लोगों से इजाजत चाहेंगे। अगला शो बोलती तस्वीरें, जो कि निकिता जी बता गई हैं आपको, शो उनका जरूर सुनिएगा। अगला शो तैयार है, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सपने मासूम सपने, पलकों
आंखों के पहले सपने दूर जैसे कहीं साज हो बज रहा मैं अभी से तेरी सुन रहा हूँ सदा दूर जैसे कहीं साज हो बज रहा है मेरी आँखों के पहले सपने रंगीन सपने मासूम सपने पलकों का पल्ला झुलाऊं।